हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीएससी अड्डा। आज हम आपके लिए जो क्लास होगी वो ज्यामिति की होगी। आज की आप क्लास होगी ज्यामिति। यहाँ से हम जीरो लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, इसके बाद में बड़ी चीज़ों पे जाएंगे। मैं कहीं भी आप यदि कोई सी भी क्लास पढ़ते हो या फिर आप कुछ भी पढ़ते हो तो रीज़न ये होता है कि पहले छोटी चीज़ें पढ़िए। यदि आप वो छोटी चीज़ें पढ़ लेते हो ना, तो आप जब बड़ी चीज़ें पढ़ोगे ना तो उसमें आपका रिवीजन चलेगा, तो उसमें क्या होगा कि आपको चीज़ें आराम से समझ में आएगी और आपको पता चलेगा कि ये ऐसा होता है तो होता क्यों है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पहले पता होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको आपका क्षेत्र में जैसे जो क्वेश्चन बने थे वो क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसके बाद में आपके लिए कुछ अगले क्वेश्चन लेके आए हैं। तो क्वेश्चन से पहले आपको आज ज्यामिति से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले जीरो पॉइंट से शुरू करेंगे। और इसके अलावा आपका जो एक दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ आई थी जिसमें आपका अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आपकी एग्जाम है, तो उसमें कुछ आपके जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही लंबा चलेगी। कहने का मतलब है कि जो पेपर होंगे वो आगे पीछे होंगे। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जो पेपर होंगे वो करीबन आपके बहुत टाइम तक चलेंगे। इनमें करीबन 20 दिन तक आपकी परीक्षा का आयोजन होगा। कितने दिन तक? 20 दिन तक। और इसमें 6.5 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे और 19,000 पदों के लिए आपकी वैकेंसी है। तो अब आप सोचिए कि 20 दिन तक पेपर चलेगा। यदि वो एक दिन में दो एग्जाम भी लेते हैं, कितनी? एक दिन में दो एग्जाम लेंगे, अभी कोई फिक्स नहीं है, दो या तीन भी ले लेंगे, तो मान लेते हैं दो लेते हैं। ठीक है, एक दिन में दो एग्जाम लेंगे। अब आप देखिए आपके मैथ्स से कितने क्वेश्चन बनते हैं, पेडागोजी और दोनों मिलकर 30 क्वेश्चन। एक दिन में कितने एग्जाम लेंगे? दो। तो आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे दोनों मिलकर? 60 क्वेश्चन। मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ओनली मैथ्स का क्वेश्चन बताऊँ, पेडागोजी और दोनों, एक दिन के 60 क्वेश्चन। अब आप देखिए कितने दिन तक, एक दिन के 60 क्वेश्चन, तो 20 दिन के कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? अब आपको पता होगा कि एग्जामिनर इतने क्वेश्चन लाएगा कहाँ से। यहाँ आके आपको पूरा जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाओगे, आपके एग्जामिनर इतने क्वेश्चन लाएगा कहाँ से। इससे पहले भी पीबी जो है ऐसी एग्जाम करवा चुका है, तो उसमें भी जैसे एमपी पुलिस वगैरह की हुई थी तो वो एक महीने तक एग्जाम चली थी, तो यहाँ आपकी एग्जाम चलेगी 20 दिन तक। ठीक है, तो आपके जो पेपर होंगे वो पेपर कैसा आएगा आपको पूरा आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। यदि आपका समय अच्छा है वो ये कुछ की एग्जाम पहले हो जाती हैं, तो एक काम कीजिए, जैसे एग्जाम होती है उनके जो पेपर के जो क्वेश्चन रहते हैं वो तो आप यूट्यूब पे वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर आप अपने साथियों से पूछिएगा और कुछ क्वेश्चन हम भी आपको बता देंगे, प्रोवाइड करा देंगे बहुत सारे से। तो जब भी आप एग्जाम देने जाओ और आपको जो भी क्वेश्चन जो है वो मिले तो वो हमें ज़रूर सेंड कीजिएगा, ताकि हम और भी कुछ की मदद कर सकें। तो आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आएंगे क्योंकि इतने क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं, तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि जो क्वेश्चन है ना आपके पास, जो भी बुक है ना वो पूरी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स से ये क्वेश्चन तो बहुत सारे बनाना है, इनको कम से कम 1200 क्वेश्चन चाहिए, तो वो कैसे बनाएंगे। तो इसलिए आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे देगा वो, कहीं से भी। तो अब आपको पता ही है कि कोई भरोसा नहीं है आपके किस्मत में कौन सा पेपर आएगा, 7 वाले जी कौन सा आएगा, आपसे जो बाद में एग्जाम होगी उनके कैसा आएगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल ऐसा इम्प्रूव कीजिए कि आप अपना 100% देके आए। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखिएगा। और आपके अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आपकी एग्जाम शुरू होगी, तो इतने अब आपने ये ज्यामिति ये 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो और टॉपिक होंगे वो भी आपके करीबन 10-15 दिन में आपका पूरा कोर्स जो है खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम रिविजन क्वेश्चन लगाएंगे, पूरा पेपर सेट जिसे आपके पेपर सेट है ना, तो उस टाइप के हम क्वेश्चन यहाँ लगाएंगे। तो आज पढ़ते हैं ज्यामिति। ज्यामिति मतलब एक सरल भाषा में कहूँ, मैथ्स की भाषा पे नहीं जाऊँगा, अपने को समझना है, तो मैं सरल भाषा में यही कहूँगा कि ज्यामिति मतलब आकृतियाँ। मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, मैथ्स की भाषा पे नहीं जा रहा हूँ, मैं मैथ्स की भाषा में नहीं, अपनी भाषा में कहूँगा कि आकृतियों से बनी मतलब रेखाओं से बनी हुई कोई भी आकृति, या फिर कुछ बिंदुओं को मिलाकर बनाई गई आकृति, किसी भी तरह की आकृति हो तो उसका हम अध्ययन करेंगे तो उसे ज्यामिति कहेंगे। ये अपने लैंग्वेज में है, मैं बुक की लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बुक की लैंग्वेज तो पूरी अलग ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। तो जब भी ज्यामिति जो होती है आपकी ज्योमेट्री, इसका जो मूल पर्पस होता है जो इससे बनी हुई होती है, तो उसे एक पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट, या फिर मैं कहूँ बिंदु, सबसे पहली बात करेंगे बिंदु, तो इनसे मिलकर बनी हुई थी। ठीक है, अब जैसे ये एक डॉट है, एक यहाँ लगा तो ये मिले तो क्या बनी, पूरी रेखा बनी, इस तरह से इसका चलता है। तो सबसे जो छोटा मेन पॉइंट होता है वो होता है बिंदु। ठीक है, ऐसे अनेक बिंदु मिलते चलते हैं तो उससे क्या बनती है, आकृतियां बनती है। तो
तो यहां तक आपको समझ में आया, मेन जो होता है वो क्या आता है, बिंदु, ठीक है बात है। इसके बाद आप बात करते हैं जो सबसे माइनर पॉइंट होता है, वो क्या होता है, बिंदु। यदि आपको वो हमारे जो वीडियो से अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए हम आपको यहाँ पे पूरी तरह से हर एक छोटी छोटी चीज, आपने हमारे वीडियो भी देखे होंगे, मैंने आपको बताया है कि मैं कुल जीरो पॉइंट से लेके आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। तो जो नए लोग हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है तो उनके लिए भी यहाँ से समझना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। अब आप बात करते हैं रेखा की, तो रेखा बाद में आएगी, पहले क्या था है? रेखाखंड। रेखा का रीजन क्या होता है, रेखाएं दो प्रकार की होती है, एक तो रेखाखंड, रेखाखंड मतलब कि दो बिंदुओं की फिक्स दूरी, फिक्स होती है। जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु यहां पे है और एक यहां पर, ठीक है, इन दोनों बिंदु जो है दोनों बिंदुओं के बीच में फिक्स दूरी होगी, 5 मीटर 10 मीटर ऐसा कोई भी, तो उसे बोलते हैं रेखाखंड। खंड मतलब एक टुकड़ा जिसका एक फिक्स होता है। मैं इसे ए नाम देता हूं, इसे बी नाम देता हूं, तो ये कितना हो गया आपका ए बी। अब रेखाखंड के ऊपर बाल लगाया जाता है क्योंकि इसलिए क्योंकि ये फिक्स है, 5 मीटर होगी तो 5 ही मीटर होगी। यहां तो समझ में आया रेखाखंड, आया समझ में? रेखाखंड मतलब एक फिक्स जो टुकड़ा हो। जैसे मान लीजिए मैं पेन की बात करता हूं, तो एक सीधा पेन है तो ये क्या होता है, फिक्स है, इसकी जो दूरी है वो फिक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है टुकड़ा। यहां तक आया समझ में? देखिए मैथ्स की भाषा पे नहीं जाएंगे, मैथ्स की भाषा जो होती है वो बहुत ही टफ होती है और यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है तो वो मैं आपको ए बी सी डी वगैरह उतना डीप में नहीं ले जाऊंगा। रीजन ये होता है कि वहां पे आप खुद समझ नहीं पाओगे हो क्या रहा है, तो क्या करेंगे कि हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे ताकि सरल हो जाएगा। तो ये चीज तो आपको समझ में आई, ये होता है रेखाखंड, ठीक है। तो जिसे इसकी एक फिक्स दूरी होती है तो फिक्स दूरी ही रहेगी। अब रेखाखंड, यदि मैं इस रेखाखंड को, ये जो मेरा रेखाखंड है इसे मैं बढ़ाना चाहता हूं, क्या करता हूं, मैं बढ़ाता हूं, तो अब आप ध्यान रखिएगा ये एक ही दिशा में बढ़ाना है, एक ही दिशा में ये। और जब भी जो रेखा, एक चीज नोट कीजिएगा, जब भी जो रेखाएं फिक्स होती हैं तो उन्हें इस तरह से लिख, किसा इस तरह से, और जो रेखाएं आगे बढ़ती है जिसे हम बोलते हैं कि ये रेखा अनंत तक जा रही है तो वहां पर एक साइन लगा होता है, ये वाला तीर का निशान, कौन सा, तीर का निशान। तो कहने का मतलब है ये रेखाखंड नहीं है, इसे मैं रेखाखंड बोल सकता हूं पर इसे रेखाखंड नहीं बोल सकता हूं क्योंकि ये एक फिक्स नहीं है, ये जा रही है, अब कहां तक जाएगी, अनंत तक, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये कुछ बड़ा, तो ये क्या हो गया, ए बी बढ़ रहा है, मतलब तीर का निशान लग जाएगा, कौन सा, तीर का निशान, इस तरह से, ठीक है, और बड़ा लिख देता हूं मैं, तो ये क्या हो गई, किरण हो गई, ठीक है। अब रेखा की बात करें तो जो त्रिज्यखंड है, जो आपका त्रिज्यखंड है वो कितना है, यहां से ए बी, अब मैं इसे दोनों तरफ बढ़ाता हूं, ठीक है, ये भी जा रहा है अनंत तक, ये भी जा रहा है, तो ये क्या हो गई, रेखा, रेखाएं अनंत तक जाती हैं। रेखाखंड एक फिक्स होता है, यहां पे पॉइंट नोट कीजिएगा, माइनस का पॉइंट, रेखाखंड एक फिक्स टुकड़ा होता है, किरण, किरण एक ही दिशा में बढ़ेगी, दोनों में से एक ही दिशा में, या तो इधर जाएगी या उधर जाएगी, फिक्स है, रेखा दोनों तरफ बढ़ती है, अनंत तक जाएगी, ये फर्क होता है इन तीनों में। यहां तक आया समझ में, तीनों चीजों में फर्क समझ में आया तो लाइक कीजिएगा क्योंकि आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। इसके बाद चलते हैं थोड़ा आगे, ये तो मैं रब कर दूं। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की, कि आगे का क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। रेखाखंड क्लियर है, किरण मतलब रेखाखंड को आगे बढ़ाना, रिपीट कर रहा हूं मैं यहां, रेखाएं मतलब जो बढ़ती है, समांतर रेखाएं, समांतर किसे बोलते हैं, समांतर मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं यहां से चलता हूं, एक व्यक्ति मेरे साथ में चलता है, ठीक है, बिल्कुल बराबर में चलता है, तो हम दोनों सीधे सीधे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक रोड है, आपने कभी रोड देखा है जिसके बीच में एक पट्टी बनी हुई थी, दोनों साइड में रोड होते, क्या उन दोनों रोड को कभी मिलते हुए देखा है, वो कहीं तीर तक जाते हैं, सीधे रोड की बात कर रहा हूं, आप ऐसे मत बोल देना कि मोड़ आ गया तो मिल गए। मान लीजिए ये एक रोड है, यहां पे मैं चलता हूं, यहां पे एक और रोड है जिसपे आप चलते हो, अपने दोनों साथ साथ में जा रहे हैं, क्या आपने कभी मिलेंगे, यदि ये रोड बिल्कुल भी सीधा हो, सीधा ही है, तो हम क्या करेंगे, अनंत तक नहीं मिलेंगे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, समानांतर चल रहे हैं। कैसे समानांतर, तो जो दो रेखाएं जो शुरू होती हैं और अनंत तक एक दूसरे को नहीं काटती या नहीं प्रतिच्छेद करती है, मैथ्स की भाषा में बोलूं तो जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है अनंत तक, तो उसे क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, अब आप बोलते हो कि ये समांतर हो गई,
चलिए यहां तक तो मान लेते टच नहीं करते, लेकिन ये आगे जाकर कहीं तो मिलेगी ना, तो वो क्या, ये समांतर रेखा नहीं होगी। समांतर रेखाओं की डेफिनेशन बोलता हूं, वह रेखा है जो एक दूसरे के समानांतर चले और अनंत तक किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। ये हो गया आपकी मैथ्स की लैंग्वेज में, ठीक है। इसे तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, आया समझ में? तो ये क्या आ गया आपकी समांतर रेखा है, क्लियर है। जो रेखा है अनंत तक किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। यह डेफिनेशन आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यह आपको समझ में आया? तो यहां तक तो आपको इजी लगा होगा, थोड़ा आज का चैप्टर है बेसिक है तो मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं, इसके बाद में हम आपकी स्पीड देखिएगा ऑटोमेटिक हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे। दूसरी बात करते हैं, आज जो भी बात होगी ना रेखाओं पर ही बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद करते हैं समांतर, मतलब जो एक दूसरे को कहीं पे कहीं तक ना काटे समांतर। अब बात करते हैं प्रतिच्छेद रेखाओं, प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदी रेखा है, एक ही बात है। प्रतिच्छेद से क्या समझ में आता है, यानी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं ये आपकी रेखा है, अब ये कहां प्रतिच्छेद कर रही है ये देखिए, कोई सी भी रेखा है ये जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। अब मैंने आपको बताया था कि किसकी बात कर रहे हैं, रेखाओं की। तो अब रेखाओं में क्या होता है कि वो अनंत तक चलती है, जैसे कि मैं यहां पे बोलता हूं ये और आपका ये और ये। जब भी रेखा की बात की जाए तो समझ लीजिएगा कि रेखाएं अनंत तक चलती है। यहां पे त्रिज्य खंड की बात की जाए तो त्रिज्य खंड एक फिक्स टुकड़ा होता है जिसकी एक फिक्स लंबाई होती है, जैसे 5 सेंटीमीटर मान लीजिए। क्या आप इसकी लंबाई निकाल सकते हो? आप रेखाओं की लंबाई सिर्फ हमारे सामने दे रखी उसकी निकालते हो, लेकिन मैं यदि परिभाषित करूं इससे तो आप इसकी लंबाई नहीं निकाल सकते। रीजन कि ये अनंत तक जाती है, ये भी जा ही रही है, अब कहां तक जाएगी कुछ नहीं कह सकते, ये भी ऊपर जा रही है। लेकिन हमने देखा कि ये एक बिंदु है जहां प्रतिच्छेद करती है, ये रेखा हो गई आपकी ए, ये रेखा है आपकी बी, और ये एक जीरो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक तो वो आपको समांतर बता दी, समानांतर रेखाएं और प्रतिच्छेद रेखाओं में डिफरेंस समझ में आया। समांतर रेखाएं जो अनंत तक एक दूसरे को कहीं पे ना मिले, किसी भी बिंदु पर ना काटे, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करे, तीनों बात एक ही है, तो क्या वह रेखाएं समांतर कहेगी। प्रतिच्छेद रेखा है वह रेखा है जो किसी एक बिंदु पर एक दूसरे से मिले, या फिर एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, या फिर एक बिंदु पर एक दूसरे को काटे, एक ही बात है, तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद रेखा है। मैंने तीनों बातें बता दी हैं जो डिफरेंस होता है, ठीक है। प्रतिच्छेद का मतलब भी वही होता है, एक बिंदु पर मिलने का मतलब भी वही होता है, और एक बिंदु पर काटने का मतलब भी वही होता है, ठीक है। यहां तो समझ में आया। अब देखते हैं लंब रेखाएं कौन सी। अब आपको क्या समझ में आया है, क्या वो उस चित्र को देखिए, और एक आप समांतर रेखाओं का चित्र यहां बना देता हूं, इसे देखिए। ये आपको ए नाम देते हैं, ये आपका बी वाला हो गया। अब अगला बनाते हैं लंब वाला, कौन सा आपकी लंब रेखाएं। लंब रेखाओं से मतलब क्या समझ में आता है, हम लंब किसे बोलते हैं? मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए एक रेखा जा रही है, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा, दो दो चित्र बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक रेखा है ए, दूसरी रेखा यह बी है जो एक दूसरे को यहां पर प्रतिच्छेद करती है। क्या मैं इसे लंब रेखा कहूंगा? मैं इसे लंब रेखा नहीं कह सकता, लेकिन यदि मान लीजिए मैं यहां पर एक रेखा बनाता हूं जो इसे यहां पर प्रतिच्छेद करती हुई निकलती है, यहां पर प्रतिच्छेद करते हुए निकलती है, तो इसे क्या मैं लंब रेखा कहूंगा? क्योंकि लंब रेखा में यही होता है कि वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। ये बात नोट कर लीजिए, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो वहां पे क्या होती है आपकी लंब रेखा है। समझ में आया? बिल्कुल इजी है, बस फर्क इतना होता है कि ये तिरछी वगैरह निकल जाती है, लेकिन यहां पे ये बिल्कुल लंब डालती है, मतलब एक खड़ी रेखा उसके ऊपर रहती है, एक तिरछी हो जाएगी और एक खड़ी रेखा, तो इसे बोलते हैं लंब। यहां तक समझ में आया?
तीनों में डिफरेंस समझ में आएगा ना अपने को, ये हो गया आपका प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा है और आपकी लंब रेखा है। ठीक है, अब कुछ और है जो वो भी देख लेते हैं, सारी रेखाएं आप नोट करना चाहो तो बिल्कुल नोट कीजिएगा क्योंकि इन्हीं पे आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। कोई भी आपको आकृति देगा एग्जाम में और पूछ लेगा कि ये कौन सी रेखाएं हैं, तो वहां पे भी आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल दो सीधी रेखा देती और वहां नीचे ऑप्शन में देगा आपको समांतर रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा है, लंब रेखा है, तो आपको वो भी निकालना है। एक आता है आपका, अब ऐसे जो क्वेश्चन बनेंगे ना उनमें डिफरेंट देखते चलना, पहले वाले में कौन सी रेखा बनी थी, अब आगे कौन सी बनेगी। यहां होती है समांगी रेखा है, ठीक है, अब इनमें उनमें डिफरेंस क्या होता है, समांतर रेखा ही पता चल गई, प्रतिच्छेद रेखा ही पता चल गई, लंब रेखा ही पता चल गई। इनमें क्या होता है कि एक रेखाएं होती है वो सभी एक जगह पे मिलती है, और भी बना दो तो यहां पे एक फिक्स पॉइंट जीरो पर मिलती है, फिक्स एक जीरो पॉइंट में मिलती है, चाहे तो आप इसे नाम देना चाहो तो भी दे दो, ये सब इस तरह से रहेगी। ठीक है, मैं इसे नाम देना चाहूं तो इसे ए रेखा दे देते हैं, इसे बी दे देते हैं, इसे सी और इसे डी नाम देते हैं, या फिर आप ए बी दे देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बी सी इस तरह से भी देते हैं, लेकिन अपने इजी के करके चलेंगे। तो यहाँ पे जो जीरो पॉइंट, जो यहाँ पे बिंदु है जिसे हम जीरो, जिसे हम या तो ओ कर देते हैं, तो हम जो नाम दे रहे हैं उसे, वहां पे जो जितनी भी रेखाएं मिल रही है उसे समांगी बिंदु कहते हैं। तो आपका यहाँ पे कौन सा बिंदु है ये आप ध्यान रखिएगा, कौन सा, तो वहां पे जहां पे ये सारी रेखाएं मिलती हैं सभी एक जगह, उन सभी रेखाओं को समांगी रेखाएं कहते हैं। ये आपका अगला वाला, तो सारी चीजें कंपेरिजन करके चलेगा, सब में अलग अलग होता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके आती है तीजी अक्रेखाएं, जैसा नाम से ही अपने देख सकते हैं, तिर्यक मतलब तिरछी होगी, तिर्यक मतलब तिरछी होगी। जैसे मान लीजिए यहां पर दो रेखाएं हैं और एक रेखा जो इसे यहां से इस तरह से क्रॉस करते हुए निकलती है, तो उसे क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा। अब ये फिक्स पॉइंट होता है जहां पे मिलती है, एक यहां पर मिला, ये यहां पे मिली, तो इसे क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा है। अब होता क्या है कि इसमें कुछ कोण बनते हैं, एक कोण यहां पे बनेगा, फिर एक यहां बनेगा, फिर एक यहां नीचे बनेगा, फिर एक यहां बनेगा, फिर यहां बनेगा, फिर यहां बनेगा, तो इसमें कितने, एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, कितने कोण बनते हैं, आठ कोण बनते हैं। अब वो आठ कोण किस प्रकार से होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि जो आठों कोण होते हैं वो हम कोण में पढ़ेंगे। तो ये जैसे इसमें क्या होता है कि ये और ये कोण समान रहता है, आप ये और ये कोण समान रहता है, सब मैं बताऊंगा कौन से कोण समान रहते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि इसे क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा है, जो तिरछी होकर काट के निकल जाती है या प्रतिच्छेद करके निकल जाती है। ठीक है, अब कुछ और चीजें हैं जो पढ़ लेते हैं। अब बात करेंगे आकृतियों की, रेखाओं से मिलकर सिर्फ नॉर्मली बात करेंगे, लेकिन इसके बाद में जब आकृतियां पढ़ेंगे तब वहां पर उसको डिटेल में बात करेंगे। चलिए तो अब आगे देखते हैं, यहाँ तो मुझे लगता है बिल्कुल इजी है, तो आपको समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो को पोस्ट करके पीछे जाके जरूर देख लीजिए ताकि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं, यदि आपको ये सारी चीजें यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में डाल दीजिएगा ताकि मैं उसको अगले क्लास में आपका इसको आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको बिंदु बता दिया, अब समतल आकृतियां किसे कहते हैं, समतल आकृतियां सब जी लिखता हूं मैं, एक तो आपका हो जाएगा समतल आकृतियां, उसके बाद में जितनी भी आकृतियों की बात की, सिर्फ आकृतियों की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं सारी चीजें लिखता हूं ताकि आपके सामने कंपेरिजन हो जाएगा।
इन सबके नाम जो है नाम से ही सारी चीजें परिभाषित है, आप वही समझिएगा। वक्र तल आकृति, और वक्र क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, वक्र पृष्ठ जब आपको पढ़ाया था तब। समतल से समझ में क्या आता है, समतल मतलब एक समतल, कभी एक नाम सुना होगा आपने समतल मैदान, तो यहां पे जो मैदान बनती चाहे गोलाकार हो वृत्ताकार हो, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं समतल आकृतियां बोलते हैं। कौन सी समतल, जो बिल्कुल समतल है। लेकिन यदि वक्र आकृति मतलब आपने कभी एक बोल देखी होगी, अब आप फर्क करना, ये ऐसा नहीं होगी आप एक बोल बोल दो, ये एक मैदान की बात कर रहा हूं मैं, मैदान की, लेकिन ये क्या होगी आपकी बोल, ये मैदान है, फर्क होता है दोनों में, ठीक है। आपकी बोल हो गई, इसके अलावा यदि आप कोई से भी आपका एक पहिया हो गया जो पूरी तरह से भरा हो, वक्र पृष्ठ जिसके ऊपर ये सहारे घूम सकता है। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या समझ में आता है, मैं एक बेलन के वक्र पृष्ठ की बात करूं तो वो बाहरी सतह जिसके सहारे वो घूम सकता है, ठीक है। दोनों चीजें समझिए, इजी है। समतल आकृति समझ में आ गई, वक्र आकृति समझ में आ गई। अब समतल आकृतियों के ज्यामिति की बात करते, क्योंकि समतल ज्यामिति आकृति दोनों चीजें सेम है, अब उसमें सिर्फ आकृति की बात की गई है, कहने का मतलब एक आकृति है, जैसे आप कहीं जाते हो तो एक मैदान हो गया आपके घर के, या फिर मैं ऐसी कोई चीज बताऊं जैसे आपकी कोई भी चीज जो गोलाकार है वृत्ताकार है, या फिर एक बॉक्स हो गया, बॉक्स की बात, वो भरे हुए बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो वक्र पृष्ठ में आ जाएगा, ठीक है, जिसमें कोई चीज रख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठ। तो मैं बॉक्स की बात करता हूं, तो ये क्या है सिर्फ आकृति है, लेकिन ज्यामिति की जब बात करते हैं तो वो का वही रहता है, बस वो का वही बात हो गई। समतल ज्यामिति में किसकी बात करेंगे, ये तो हो गया आपका वृत्त, एक तो हो गया आपका वृत्त, आयत, जो आपके 2D जितने भी आते हैं, 2D का मतलब समझ में आ गया ना आपको, मैं आपको 2D बता चुका हूं, 2D मतलब वो आकृति है, जैसे त्रिभुज भी आ गया उसमें, 2D की बात कर रहे हैं, त्रिभुज भी आ गया आपका, वृत्त आ गया आपका, आयत आ गया आपका, वर्ग आ गया, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी, आपका चतुर्भुज आ गया है। अब बात करते हैं, एक तो क्या आ गया आपका समतल आकृति वृत्त आकृति, और एक आ गया समतल ज्यामिति आकृति, तो अब जो आपका बनेगा ठोस ज्यामिति आकृति, कौन सा ठोस ज्यामिति आकृति, नाम से ही समझ में आता है ठोस, ठोस का मतलब आपको समझ में आया, आपका बेलन, आपका मैं कहूं कि गन गना, क्योंकि वो ठोस होता है, उसमें कुछ चीजें रख सकते हैं जिसका आयतन होता है, आया समझ में, आपका गन गनाप गोला ये सब काय में आएंगे, ठोस ज्यामिति आकृति में आएंगे, आ गया समझ में, कंपेरिजन समझ में आया। और अगर नहीं समझ में आता है तो कुछ नहीं, 2D आकृतियां देखिए ना, 2D आकृतियां सारी हो गई समतल, और 3D आकृतियां सारी हो जाएगी ठोस, ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आया। और 3D का एक आयतन होता है, और समतल की क्या होता है क्षेत्रफल होता है, बस इजी चीजें हैं, आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आना चाहिए, आपको यहां तक तो आराम समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे क्वेश्चंस की, या फिर अब जो आएंगे हम मेन पार्ट पे आएंगे, कि अब इतनी देर तो अपनों ने सही चीजें देख ली, समझ ली कि ये आकृतियां होती हैं जो बिंदुओं से मिलकर बनी होती हैं, इनमें रेखाएं होती हैं, अब अंदर की बात करते हैं कि इनमें क्या क्या सारी चीजें होती हैं और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। एक टॉपिक ले लेते हैं कौन सा भी, एक टॉपिक लेके चलेंगे, उसके बाद दूसरे टॉपिक पर आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने कोण की, ठीक है, कोण के बारे में पहले एक चीज समझना जरूरी है, तो पहले बेसिक चीजें समझते हैं। कोण का साइन जो होता है हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं, एक मैं एक गोला लेता हूं, या फिर मैं एक ये मैं गोला ले लेता हूं, या फिर एक आकृति, ये गोल आकृति। अब यहां पे क्या होता है कि हमने कभी अपने पृथ्वी को देखा हो गोल होती है,
तो अब अपने को क्या करना है कि इसको एक प्रॉपर तरीके से इसको कुछ भी हमने डिफाइन करना है, तो क्या मैं इसकी आकृति निकालने के लिए, इसके चारों ओर घूमने के लिए, तो इसके लिए हमारे जो वैज्ञानिक जो हमारे गणितज्ञ हुए उन्होंने एक फिक्स पैटर्न दिया। उन्होंने कहा कि ये यहां से यहां तक ये पूरा जो कोण होगा, पूरा जो कोण होगा कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का, कितना 360 डिग्री का। तो ये कोई भी गोलाकार चीज होती है उसके अंदर के जितने भी पूरा कोण पे जो बना होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब यहां से 360 डिग्री निकल के आया, अब आपको पता है कि कितना हो गया, यहां नाम देता हूं मैं। अब ये देखो, एक आकृति ये देखिएगा, दूसरी आकृति ये देखिएगा, ठीक है, तीसरी आकृति ये देखिए, तीनों आकृतियों को देखिए, फिर समझते हैं। अब मैं देखता हूं कि ये जो कोण है, ये पूरी एक क्षैतिज रेखा, इसका कोण यहां से शुरू हुआ, कहां से, यहां से शुरू हुआ और वापस यहीं पर आकर मिल गया। कहने का मतलब उस रेखा ने एक चक्कर लगाना शुरू किया, इस तरह से घूमती हुई आई और वो वापस यहीं पर आ गई, यहां से चली, यहां से घूमती हुई आई और वापस यहां पर ही आ गई। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का, ठीक है। एक रेखा जो है यहां से चली और वह क्षैतिज यहां तक, यहां से आती हुई यहां तक आ गई। तो अब जो कोण बनेगा, यहां से बनना शुरू हुआ है, यहां से कितना हो, पूरा आधा हो गया आपका, तो 360 का ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। समझ में आया, इस तरह का कोण 180 डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का होता है। अब देखिए यहां से चला यहां तक, तो ये कोण कौन कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, जिसे क्या बोलते हैं, समकोण। तो अब अपने क्या करेंगे, सबसे छोटी चीज लेके चलते हैं, पहले समकोण की बात करेंगे, फिर इसकी बात, फिर इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे। तो आपको कोण कैसे बनता है वो तो आपको समझ में आया, समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, सिर्फ समकोण त्रिभुज, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज लेके चलेंगे, सब मिक्स नहीं करेंगे। आज पूरा आपका बेसिक रहेगा, इसके बाद में कल से आपको थोड़ा और डिटेल में हम इसके बारे में जान लेंगे, तो आगे पढ़ने में अच्छा रहेगा। ये जो कोण बना कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का, इसे कुछ भी नाम देते हैं, ए बी सी। तो कोण कौन सा बना, कोण ए बी सी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, कितना हो गया डिग्री। अब ये जो ऊपर लगता है ना, इसे बोलते हैं डिग्री। अब समझिएगा, जो डिग्री होता है आपका, आपका एक डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट। यहां पे हम जो बात करेंगे, ये आपको एक डिग्री में 60 मिनट होता है, कितना, 60 मिनट। इसके ऊपर इस तरह से एक लगाया जाता है, जो इस आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा करता हूं उसे, तो आपको आराम से दिख रहा होगा, ये क्या होता है, 60 मिनट। अब आप देखिए कि जो 60 मिनट हुआ है, तो एक 60 मिनट को वापस सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका एक मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। यहां तक समझ में आया, तो एक डिग्री में कितना मिनट होता है, 60। ये आप ध्यान रखिएगा, ये काम की चीजें अपने ये याद रखिएगा। अब कोण की ही बात करते हैं, सिर्फ नए समकोण त्रिभुज से रिलेटेड, सॉरी समकोण त्रिभुज या जो आपका कोण बना है, समकोण से बात करते हैं सिर्फ उसी की। यदि मान लिया जाए कोई भी कोण है, यदि ये 90 से कम है, आप देखिए ये कोण, ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री से कम बन रहा है ना, अब इससे ऊपर बनेगा तो ज्यादा बनेगा, लेकिन यहां क्या बन रहा है, कम। तो कितना मान लीजिए, ये 35 डिग्री बन गया है अपने, मान लेते हैं। तो जब भी ऐसा कोण बनता है उसे न्यून कोण कहते हैं। कौन सा न्यून, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा लैंग्वेज से, तो जो भी कोण होता है, यदि मैं इसे थीटा नाम दे दूं या 35 डिग्री दे दूं, कोई दिक्कत नहीं, 35 हो जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल मैं इसे थीटा बोलता हूं, तो जीरो से थीटा 90 डिग्री के बीच में जितना भी कोण होता है वो समकोण होता है। अब जीरो डिग्री का आपको मतलब समझ जाएगा, जीरो डिग्री से थीटा मतलब कुछ भी रखिए, थीटा मतलब कुछ भी रख दीजिए, 45 35 50 80 ये डिग्री है, तो कोई सा भी रखिए, वो कोण क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा, जो 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से कम जितने भी कोण होते हैं उसे न्यून कोण कहते हैं, ये आपका न्यून कोण की डेफिनेशन। समझ में आया यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब आप देखिए, अब फिक्स जो 90 डिग्री पे रहेगा उसको क्या कहेंगे, समकोण, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो आपका ये वाला आकृति कौन सी हो जाएगी, समकोण। और समकोण से छोटा कोण कौन सा हो जाएगा, न्यून कोण। इसके बाद में एक और आता है, अब देखिए न्यून हो गया, समकोण हो गया, तो अब कौन सा आएगा, अधिक कोण। कौन सा आपका, अधिक कोण। जैसे नाम से ही यह परिभाषित है कि अधिक कोण, अधिक मतलब किससे अधिक, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से ऊपर जितने भी कोण रहेंगे 180 डिग्री के बीच में, 90 से थीटा मतलब वही, और 180 डिग्री के बीच में जितने भी कोण रहेंगे वह अधिक कोण कहलाएंगे। एग्जाम्पल यहां पे मैं इसे रब करके बना देता हूं, ठीक है, थोड़ा तिरछा बन गया है तो देख लीजिएगा। ये कोण देखिए, अगर 90 से ऊपर चला गया है ना, 90 से ऊपर चला गया है, तो कहने का मतलब ये कौन सा हो गया आपका, अधिक कोण। अब आपको पता है कि जो कोण की जो माप की जाती है या फिर उसकी जो शुरुआत की जाती है, इस क्षैतिज रेखा से ही की जाती है, ठीक है। हमेशा जो काम होता है, आप इस क्षैतिज रेखा को ही हम आधार मानते हैं और यहीं से शुरू करते हैं। आप यहां से नापोगे तो भी 90 डिग्री आएगा, आप इसको यहां रख के नापोगे तो भी आएगा, लेकिन हम जो आधार मानते हैं वो यहां से मानते हैं। हमारे मैथ्स में एक प्रॉपर रूल होता है कि हम यहां से ही उसको मानते हैं। यहां तो समझ में आया आपको दोनों चीजें, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, न्यून कोण मतलब थोड़ा 90 से कम, अधिक कोण मतलब 90 से अधिक। तीनों चीजें क्लियर है, बिल्कुल आराम से क्लियर है। अब 90 की बात हो गई, अब चलते हैं 180 पर, ठीक है। चाहे तो मैं एक बार फिर से भी पूरी चीजें लिख दूंगा ताकि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। 90 डिग्री की बात हो गई, अब पहले हमने क्या पढ़ा, न्यून कोण, फिर किस पे आए, समकोण, फिर किस पे आए, अधिक कोण। अगला पढ़ेंगे सरल कोण, कौन सा होता है आपका, सरल कोण, नाम से ही परिभाषित है। इसके बाद आपका सरल कोण जो हो जाएगा, उसके बाद आएगा वृहत कोण, कौन सा आएगा, वृहत कोण आएगा। वृहत कोण के बाद में आगे जो आएगा आपका अधिक कोण हो गया, सरल कोण हो गया, बृहत कोण हो गया, तो आखिरी में बचेगा क्या, जो आपको पूरा बनेगा उसे बोलते हैं संपूर्ण। संपूर्ण मतलब पूरा, संपूर्ण कोण, ठीक है। न्यून कोण मतलब थीटा मान लेते हैं एक कोण, ठीक है। न्यून कोण मतलब 90 से कम, ठीक है। अब यहां पे आते हैं 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, अधिक कोण मतलब, सॉरी समकोण ही है, समकोण तो 90 होगा, समकोण तो पूरा 90 हो गया, अधिक कोण की बात कर रहे हैं तो 90 डिग्री से थीटा मतलब कोई भी कोण होगा जो 180 से अंदर होगा, 180 से ऊपर नहीं होगा, ना तो 90 से कम होगा और ना ही 180 से ऊपर होगा। 90 से कम हुआ तो न्यून हो जाएगा, और अधिक हुआ, 180 से अधिक हुआ तो वह सरल रेखा में चला जाएगा। लेकिन यदि 90 और 180 के बीच में हो, 90 और 180 के बीच में होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। सरल कोण मतलब एक सीधी रेखा, मैंने अभी आपको बताया था सीधी रेखा ये हो गई, यहां पे कोण बना पूरा, कितना हो गया आपका 180 डिग्री का कोण हो गया, कितना 180 डिग्री का कोण हो गया, तो ये क्या हो गई, एक सरल रेखा हो गई। तो सरल रेखा में बना हुआ कोण क्या कहेंगे, सरल कोण। तो ये कितने डिग्री का होगा, यह फिक्स 180 डिग्री का होगा, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का फिक्स होगा। एग्जामिनर का क्वेश्चन कैसे आता है कि सरल कोण कितना होता है, एग्जामिनर का क्वेश्चन आता है कि सरल कोण कितना होता है, ये सारे कोण पूछे गए हैं आपके ज्यामिति में। इस कोण में से मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि इसमें से यदि आपके पेपर भी कितने होंगे, 20 दिन तक पेपर चलेंगे, तो आप सोच लीजिए कि ये तो क्वेश्चन छपे हुए ही क्वेश्चन है एग्जाम में, सोच लिए छप गए। न्यून कोण तो छप गया, सरल कोण आपका
समकोण, ये तो छप गए हैं। एग्जामिनर पूछेगा कि निम्न में से कौन सा कोण सरल कोण होता है, और वो ऑप्शन देगा आपको 180 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम, 180 डिग्री से अधिक। तो आपको ऑप्शन कौन सा लगाना है, 180 डिग्री। साथ साथ में क्वेश्चन भी बताऊं, इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। वृहद कोण, वृहद मतलब अधिक, अधिक आप देखिए, अधिक मतलब किससे अधिक, अधिक मतलब किससे अधिक, 180 से अधिक। अब आप इसे यहां से मत नापने लग जाना, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप बोल दो सर ये तो 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा है। कोण जो होता है हमेशा इस तरह से शुरू होता है और हम उसे इस तरह से नापते हैं, इधर से ही, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज उसे नापते हैं। तो आप देखिए यहां तक आएंगे कितना हो गया 90, यहां से यहां तक सरल रेखा में आएंगे कितना हो गया 180। अब यहां से हम आगे निकल गए तो ये कितना हो जाएगा आपका वृहद कोण। वृहद कोण जो होता है 180 डिग्री से बड़ा होता है हमेशा, ठीक है। मान लीजिए 135 होगा, सॉरी ये आपका 185 वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 185 मान लेते हैं, तो 185 थोड़ा सा ही होगा तो और ज्यादा मान लेते हैं, 200 के करीब मान लेते हैं, कितना, ठीक है। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि कोण किस तरह से बन रहा है और कहां पे बनेगा। सॉरी वो कोण ऊपर बनेगा ना, वो मैं गलती से लिख दिया, कोण जो है ऊपर बनेगा क्योंकि हम देखिए सब ऊपर ही बनाते हैं, और मैंने अभी आपको बताया भी जो कोण जो होता है एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ना कि इधर से, ठीक है। अब एक चीज देखिए, सरल कोण हो गया, वृहद कोण हो गया, मैं इसीलिए इतनी बार रिपीट करवा रहा हूं कि आपको वीडियो देखते देखते सी चीजें याद हो जाएगी। संपूर्ण, संपूर्ण मतलब पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण का मतलब क्या कहेंगे कि एक कोण जो है या फिर एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति एक गोले के केंद्र से थोड़ी दूर खड़ा है और यहां से वह चलना शुरू करता है, इस तरह से चलता हुआ आता है और वापस से वह वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने चलना शुरू किया था। तो क्या किया उसने, उसने ये किया कि उसने वो एक चक्कर जो होगा वो पूरा कर लिया है। तो क्या कर लिया उसने, वह दूरी पूर्ण कर ली, मतलब पूरी कर ली। तो पूरी करने के लिए कितनी डिग्री चला वो, या फिर कितनी डिग्री का कोण बना, 360 डिग्री का। तो इसीलिए उसे संपूर्ण कोण कहते हैं कि संपूर्ण हो गया है 360 डिग्री। आगे समझ में यहां पे। अब आप देखिए एक गोला जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, पूरा 360 डिग्री का होता है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। सिर्फ गोले की बात कर रहा हूं, एक गोला पूरा 360 डिग्री का होता है। ये सारी चीजें क्लियर है यहां तक। ये चीजें यहां तक क्लियर हो गई, कोण के बारे में इतनी जानकारी तो क्लियर हो गई आपकी। इसके बाद आते हैं कुछ और कोण, इसके बाद में कुछ और कोण भी आते हैं। यदि आप इसे नाम देना चाहो तो मैं कोई भी नाम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां बोल दो कि इसे ए, इसे जीरो बोल दो, सॉरी इसे ओ बोल दो, इसे बी बोल दो, कुछ भी नाम दे दीजिए आप, तो उसमें तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। न्यून कोण क्लियर हो गया, समकोण मतलब 90 डिग्री, अधिक कोण मतलब 90 और 180 डिग्री के बीच में, सरल कोण मतलब एक सीधी रेखा वाला 180 डिग्री, वृहद कोण मतलब 180 डिग्री से ऊपर, और संपूर्ण कोण मतलब 360 डिग्री, ठीक है। और ये सरल कोण को जो होता है एक रिज्जू कोण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे भी कुछ और नाम होते हैं, समकोण त्रिभुज हो गया, तो इनके तो कोई नाम नहीं होते, लेकिन इससे एक रिज्जू कोण भी कहा जाता है। कौन सा कोण, रिज्जू कोण, ठीक है। यहां तक सारी चीजें समझ में आई, इसके बाद में कुछ और चीजें आगे देखते हैं। कोण से रिलेटेड ही चल रहा है, कोण के बाद हम त्रिभुज पर जाएंगे, लेकिन अभी क्या है सारी चीजें कोण की चीजें पढ़ लेते हैं। आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब आप देखिए कि आपकी जो संविदा वर्ग थीम की एग्जाम आने वाली है, तो इससे रिलेटेड हमारे जितनी भी कक्षाएं आपकी, इंग्लिश की कक्षा भी प्रॉपर आ रही है, आपके पर्यावरण की कक्षा आ रही है, आपका बाल विकास भी पूरा आ रहा है, आपके हिंदी और आपका मैथ्स जो है हम पढ़ाई रहे, और इसके अलावा हम पेडागोजी क्लास है वो भी आपकी, आप देख लीजिएगा किस तरह से मैंने उसको, आपके पेडागोजी क्लास जो पीपीटी पढ़ाया गया है तो वो भी आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिस्ट में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो वो क्लासें पूरी हो गई। आज जो हमने क्या क्या पढ़ा है वो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हमने आज एक तो रेखाएं पढ़ा,
रेखाखंड पढ़ा, किरण पढ़ा। यदि आपको ये सारी चीजें पढ़ने के बाद यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया था कि अगली क्लास में फिर से बता दूंगा। रेखाखंड पढ़ लिया, किरण पढ़ लिया, इसके अलावा मैंने समांतर रेखाएं बताई, प्रतिच्छेदी रेखाएं बताई और साथ साथ में आपकी लंब रेखाएं जो बनती है वो कैसे बनेगी वो भी बता दिया, समांगी रेखाएं बता दिया और आपको मैंने बिंदु भी बताया, समतल आकृति बताई, समतल ज्यामिति आकृति कौन सी होती है, ठोस आकृति बता दी और कोण के बारे में, कोण क्या होता है वो भी बता दिया कि कोण किस तरह से बनते हैं, समकोण बता दिया, न्यून कोण हो गया, उसके बाद समकोण आता है, उसके बाद में आप क्या अधिक कोण आता है, फिर आपका क्या समतल आ गया, उसके बाद में वृहत कोण आ गया या फिर उससे मैं कहूँ कि आपको सरल कोण को रिज्जू कोण भी बोलते हैं, ये सारी चीजें आ गई। इसके बाद में हमने आखिरी में जो पढ़ा था आपका संपूर्ण कोण, तो ये सारी कोण से रिलेटेड चीजें हो गई हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से संपूर्ण कोण है, एक तो दे दिया आपको 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन आपका 180 डिग्री, तीसरा ऑप्शन हो गया आपका 360 डिग्री, चौथा ऑप्शन हो गया आपका कुछ भी दे दिया 65 डिग्री, ठीक है। तो आपको बताना है संपूर्ण कौन सा होता है, तो ये होता है, ये क्वेश्चन सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे कौन से रिलेटेड, और आपका तो फिर पेपर भी ज्यादा होगा तो आना ही आना है, कहीं से भी किसी ने किसी के तो आना ही है। तो 360 डिग्री संपूर्ण कोण होता है, बोल दिया संपूर्ण कौन सा होता है तो वो भी आपको बताना है। अब एक चीज निकल के आती है जो बहुत ही काम की चीज होती है, वह देखिएगा क्वेश्चन होता है कि निम्न में से कौन सा न्यून कोण नहीं है, क्या क्वेश्चन है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं आपका ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन आपका 65 डिग्री, तीसरा ऑप्शन आपका 10 डिग्री, चौथा ऑप्शन है आपका 50 डिग्री। उसने पूछा है कि निम्न में से कौन सा न्यून कोण नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया था, न्यून कोण होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, ना कि 90 डिग्री, 90 डिग्री के बीच में। अब आप देखिए ये तो हो गया न्यून कोण 65 डिग्री, क्योंकि 90 से कम है, 10 भी 90 से कम है, 50 भी 90 से कम है, लेकिन आप बोल दोगे कि 90 डिग्री, जैसे मान लीजिए एग्जामिनर क्या करेगा, चौथा ऑप्शन हटा के यहां डाल दिया, इनमें से कोई नहीं, कौन सा डाला, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 90 डिग्री की बात आती है तो आप सोचोगे 90 डिग्री न्यून कोण है, 90 डिग्री न्यून कोण नहीं होता है, यह समकोण होता है, कौन सा होता है, समकोण। तो आपको क्या करना है कि ऐसा ना हो कि एग्जाम में ये राइट लगा दो वो गलत होगा, कौन सा आएगा, ए वाला आएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते हो, हम गलती जल्दी जल्दी में थोड़ा गलत हो जाता है। तो आपको यहां तक चीज समझ में आई, ऐसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, समकोण त्रिभुज दे देगा तो वो आपको समकोण निकालने की बोल देगा, न्यून कोण पूछ लेगा, वृहदम कोण पूछ लेगा, अधिक कोण पूछ लेगा। तो ये सारे आप प्रैक्टिस में क्वेश्चन लगाइएगा और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी कराऊंगा, लेकिन पहले बेसिक चीजें समझ लेंगे उसके बाद में। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आज के साथ में आपकी जो सारी क्लासे है वो भी आप देखिएगा, और अप्रैल में आपकी एग्जाम है तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी को जोरों शोरों से चलिए और धीरे धीरे आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हम बहुत ही हद तक आगे बढ़ गए हैं, आपके 2 या 3 चैप्टर और बचे हैं, इसके बाद में हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, सारे मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें भी आपका बहुत ही हद तक मदद हो जाएगी। चलिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका बिल्कुल आपको आंसर दूंगा। चलिए, धन्यवाद।